500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगाने से फिलहाल लोगों को भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर जानकार मानते हैं कि आगे चलकर इस कदम से आम लोगों को फायदा होगा। जैसे निवेश के नाम पर रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाला काला धन रुकेगा, इससे प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो सकती हैं, कम आय वाले लोगों के लिए घर लेना आसान हो सकेगा। पढ़ाई के लिए कैपिटेशन फी के नाम पर ली जाने वाली रकम लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए दाखिला लेना आसान हो सकता है जिन्हें पैसे न दे पाने की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाता है। पाँच सौ और हजार के नोट बंद होने के साथ ही पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की ताकत चली गई है। बेकार हो चुके 500 और हजार के नोटों से वो कुछ नहीं कर सकते और बिना पैसों के उग्रवाद का पत्ता भी नहीं हिलता। मेरा देश डिजिटल हो रहा है। जी हाँ, नोटों की मोटी मोटी गड्डियों का रौब गालिब करने के दिन अब लग गए। अब करारे नोटों के शौकीन लोगों की दलीलें भी अब इंडिया ने बेनामी कर दी हैं। आप कहेंगे चलो रेल बस या हवाई जहाज की टिकट तो कार्ड से या ऑनलाइन खरीद ली, लेकिन ऑटो या रिक्शे का पेमेंट कैसे करेंगे? तो जनाब देख लीजिए कानपुर की ये तस्वीर। अब देश डिजिटल हो रहा है। सिर्फ बाबू साहब ही नहीं, हर हिंदुस्तानी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। कानपुर के रिक्शे वाले भी अब किराया पेटीएम से वसूल रहे हैं। जनाब मैं अमीन है, इसको चालू किया। हम चाहते हैं कि जितने भी सारी जगह हैं इसका इस्तेमाल होने लगे और कैशलेस हो जाए। जरा सोचिए, टीवी के आगे चिपके रहने वाले लोग ही नहीं, हार तोड़ मेहनत करने वाले रिक्शा चालक भी इस नोटबंदी के नफे नुकसान खूब जानते हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को गौर से समझते हैं। पीएम मोदी ने नोटबंदी के साथ ही करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों से बार बार ये कहा है कि लोग कैश छोड़ डिजिटल सिस्टम को अपनाएं।